हाथ में बंदूक हो तो एक बच्चा भी ऊंचे सुर में बात कर सकता है। अगर बंदूक ही चलानी होती ठाकुर तो अब तक तुम्हारी खोपड़ी में इतनी गोलियां डाल चुका होता कि देखने वालों के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता कि यह ठाकुर हंस की खोपड़ी है या शहद की मक्खियों का छत्ता। उन्होंने भाई को मारा। मेरे भाई तो मेरा भी गया सरपंच जी। हमारी औरतों की इज्जत पे हाथ डाला गया। कोशिश तो यहाँ से भी हुई। मेरी माँ पे गोली चलाई। रे मेरी बीवी मुझसे छीन ली। चीज का बदला दिया तो इसका क्यों नहीं? अरे सुलह के नाम पे बंदूक चली उसका बदला क्यों नहीं? तुझे किस मजहब में लिखा है कि खुद की खुशी के लिए किसी और की जान ली जाए? बकवास बंद कर। मैं सर पे कफन बांध के निकला हूँ। मैं तुझे कफन भी नसीब होने नहीं दूंगा। मैं इसे तोड़ दूंगा। तू नहीं जानता मुझे तूफानों से खेलने की आदत है। तू खेलता होगा तूफानों से। हमने तो तूफान पाले हैं। जो डरते हैं सो मरते हैं। हम मरकर जीने वाले हैं। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। इडियट, देखकर नहीं चल सकते? यही सवाल मैं भी तो आपसे कर सकता हूँ। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? जिन बड़ों को छोटों से बात करने की तहजीब ना हो उनसे मैं ऐसे ही बात करता हूँ। नजर नीचे करके बात करो। हमारे जूते की धूल के बराबर भी नहीं हो तुम। धूल भी अहंकार बसत नहीं करती। लात मारो तो सर पर चढ़ती है। खून में इतनी गर्मी अच्छी नहीं होती। टकराने से पहले कम से कम इतना जान लिया करो कि सामने वाला कौन है। शुक्र कीजिए क्या जान जाने में टकरा हुआ है और दुआ कीजिए कि कभी जान बुझ कर टकराना ना पड़े वरना जान पहचान महंगी पड़ जाएगी। अगर मैं तुझे मार दूं अभी यहाँ तो मुंबई नहीं ले पाएगा। मुंबई क्या तेरे जेब में पड़ी है? मेरी मोजड़ी में रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गुप्ता 4 लाख देने को तैयार है। एक छोकरी की इज्जत के लिए ये रकम बहुत है। बहुत तरक्की कर ली चड्डा। कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। बोमन चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। मेरे यहां काम करने के 2 रिक्वायरमेंट हैं। पहला पुलिस से भिड़ने का नहीं और दूसरा मरने से डरने का नहीं। जो पुलिस की बात करता है वही पुलिस से डरता है। ये तेरा खास बटन है तो क्या? तेरी जगह पर तेरी आदमी को मारा। ये तेरे दूसरे रिक्वायरमेंट का जवाब था। आइंदा कॉलर नहीं पकड़ना। नहीं शंकर, नहीं शंकर, नहीं। तेल में आग लग जाएगा। चारों तरफ कोयला है रे, आग पकड़ लेगा। हम तुमको पाला हूं रे, गुलामी करवाने के लिए। हम तुमको जिंदगी दिया हूं, खुद को मौत से बचाने के लिए। देखो शंकर, हमरा धर्म में मरने के बाद ही जलाया जाता है। तुम हमको जिंदा नहीं जला सकता। ये कहानी तूने शुरू की थी मेरे मुंह में जलता हुआ कोयला डालकर, और आज यही जलता हुआ कोयला तेरी चिता की आग बनकर उस कहानी को खत्म करेगा राजा।